ECAT Mathematics F.Sc Part 2 Chapter Number 6 जो कि Conic Section है, इसमें आज हम जिन दो टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे, उनमें पहला टॉपिक है Tangents and Normals, जबकि दूसरा टॉपिक है Transformations. यानी Tangent जो होती है, वो ऐसी लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और कर्व के इंटीरियर से पास नहीं होती, जबकि नॉर्मल ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो है वो मतलब हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं, हम उनके जो ओरिजिन है या आप ये समझ लें कि जो उनकी रोटेशन है, उनको चेंज कर देते हैं और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. तो इससे रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यू होंगे, वो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यू हमारा, जिसकी स्टेटमेंट है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला जो कि है वाई स्क्वायर माइनस एट वाई माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो इज. अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होती है, अगर हमारे पास एक पैराबोला हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास ए की वैल्यू है, अगर इसको आप मतलब टू टाइम्स कर लें, ठीक है, ये सॉरी इसे अगर हम इसको अगर हम फोर टाइम कर लें तो ये हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आती है. ठीक है, तो देखें अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास पैराबोला है, इसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में लेके आएंगे. ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस एट वाई लिखा हुआ है, जबकि इस फोर एक्स को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूँगा, ये फोर एक्स इधर आ जाएगा. ठीक है, अब इसमें हम यूँ कर लेते हैं कि वाई स्क्वायर यानी ये वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस टू इंटू फोर इंटू वाई, ये अगर आप तीनों मल्टीप्लाई करें तो आपको एट वाई मिलेगा प्रोडक्ट इनका. ठीक है, इसका मतलब कि इसमें जो मिसिंग टर्म है, एक फार्मूला कंप्लीट करें हम एट डिफरेंस बी के होल स्क्वायर का, तो इसमें जो बी है वो फोर है, यानी उसका स्क्वायर मुझे दोनों तरफ ऐड करना होगा इस फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, यहाँ राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी. ठीक है जी, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है वाई माइनस फोर के होल स्क्वायर का, जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनमें से 4 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर x प्लस 4 आ जाएगा. ठीक है, अब देखें यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास वर्टेक्स है इस पैराबोला का, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका हुआ है. ठीक है, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ y माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी k, y के लिए k आएगा, y माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू x डिफरेंस जो है हमारे पास h है. ठीक है, तो देखें अब इसमें अगर h और k जो है वो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हों, न्यू जो वर्टेक्स सॉरी, तो फिर इसका मतलब कि यहाँ पर ये y माइनस k y को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, क्या एक नए ट्रांसफॉर्म्ड एक्सिस के y को, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिखा हुआ है. ठीक है, इसका मतलब इसमें a जो है मिसिंग है, मिसिंग मीन्स के ए की वैल्यू जो है वो 1 है, मिसिंग इस सेंस में के मतलब 1 है ये. ठीक है, इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो इसका मतलब ए तो इस केस में 1 आ रहा है, और लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 4 टाइम्स ऑफ ए होती है, तो वो फिर हमारे पास 4 आ जाएगी. तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, वो यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन होगा, और हम इस तरीके से इस गिवन जो पैराबोला है इसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है वो बता सकते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसकी स्टेटमेंट है कि इफ द लाइन y इक्वल टू 4x प्लस c इज टेंजेंट टू द एलिप्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c. ठीक है, अब देखें ये बात हमने पढ़ रखी है कि जब हमने एलिप्स के केस में y इक्वल टू mx प्लस c असूम की थी कि ये हमारे पास जो है वो टेंजेंट की इक्वेशन है, तो वहां हमने जब इसे सॉल्व किया था तो हमें c की जो वैल्यू मिली थी वो हमने इस तरीके से मालूम की थी कि हमने लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ a टाइम्स m स्क्वायर. ठीक है, a स्क्वायर टाइम्स m स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन करके इक्वेशन ड्राइव की थी. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस है, चूंकि इसमें जो a की वैल्यू है वो 8 है और वो x के डिनोमिनेटर में है. ठीक है, इसका मतलब कि a स्क्वायर है हमारे पास 8 इस क्वेश्चन में, और बी स्क्वायर जो है माइनर एक्सिस जो है वो है 4. ठीक है, यानी बी स्क्वायर जो है वो 4 है,
और इसमें अगर b की वैल्यू देखी जाए तो वो 2 बनेगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो कितनी है, वो 4 है, चूँकि y इक्वल टू एम एक्स होता है, एम यहाँ पर हमारे पास कितना है, 4 है, ठीक है, तो m इक्वल टू 4 है। ये तीनों वैल्यूज अब हम इस जो है रिलेशन में पुट करेंगे c की वैल्यू को देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है वो प्लस माइनस भी पुट करते हैं, ये प्लस माइनस में मिस कर गया था लिखना, ठीक है। अब देखें एक ए कितना है, ए स्क्वायर 8 है, ठीक है, और m जो है, m अगर 4 है तो उसका स्क्वायर होगा 16, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर है 4, तो अगर हम 8 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 128, ठीक है, और इसमें हम 4 ऐड भी करें तो ये बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 132, जो कि ऑप्शन नंबर फिर डी में अवेलेबल है। इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन में जो सी की वैल्यू है जो कि हमसे पूछी जाई थी लिप्स के केस में, वो जो कि हम टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करेंगे वो प्लस माइनस अंडर रूट 132 है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि लाइन जो है हमारे पास वो है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 इस टेंजेंट टू द पैराबोला जो कि है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इफ अब इसमें m की हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, देखें जब हमने जब डेरिवेशन की थी टेंजेंट की इक्वेशन की तो हमने अस्यूम किया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ये हमारी टेंजेंट की जो है वो इक्वेशन है, और फिर हमने जब इस इक्वेशन में जो पैराबोला की इक्वेशन उसमें इसकी वैल्यू को पुट किया था तो हमने देखा था कि c जो है वो हमने इक्वल टू लिखा था a ओवर m के, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में भी हम c की वैल्यू इसी तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे m जो है हमने कैलकुलेट करना है जबकि c की वैल्यू 1 है, ठीक है, c की वैल्यू कितनी है जी, 1 है, जबकि a की वैल्यू जो है हमारे पास अगर आप इस पैराबोला में देखें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, ठीक है, तो a की जगह यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब a क्या है इधर 1 है, तो a की वैल्यू 1 लिखेंगे ओवर m, तो m जो है इस साइड पे आकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और m इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में जो m की वैल्यू होगी वो होगी 1 और ऑप्शन ए में लिखी हुई से ए हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ द कॉनिक। अब ये कॉनिक है, अब हमें नहीं पता इसको हम जब इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो हमें पता चलेगा क्या ये इलिप्स है, क्या ये हाइपरबोला है, या फिर ये मतलब किसका ये किस फंक्शन का ये या किस फिगर की ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के बारे में जो है वो देखेंगे और फिर हमने बताना ये है कि इसके जो फोसाई हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आखिर इनमें से किस ऑप्शन के इक्वल है। देखिए फोसाई की बात हो रही है तो इसका मतलब कि ये या तो इलिप्स या जो है वो हाइपरबोला की इक्वेशन हो सकती है, ठीक है, पहली बात क्लियर होगी यहाँ से। अब देखें हम यहाँ एक फार्मूला कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स 3x ये बन जाएगा 6, और इसको अगर मजीद 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाता है 18, इसका मतलब ये 18x है, और यहाँ पर हम क्या ऐड कर लेंगे, हम 3 स्क्वायर खुद से ऐड करेंगे ताकि ये एक फार्मूला बन जाए 3x माइनस 3 के होल स्क्वायर का, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो 4y स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2y, ये 4y हो जाएगा, और मजीद 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8y होता है, इसका मतलब इसमें मजीद हमें क्या ऐड करना होगा, हमें इसमें 2 का स्क्वायर ऐड करना होगा ताकि ये भी एक फार्मूला बन जाए। तो ये फार्मूला जो है ये बन जाएगा किसका, ये 2y प्लस 2 के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। मैं बल्कि इसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे लिखता हूँ, ये मिक्स ना हो जाए यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है जी। अब इसमें देखें एक टर्म जो है -23, ये यहाँ पर आएगी -23। अब हमने जो नंबर ऐड किए हैं यहाँ पे कौन कौन से नंबर ऐड किए हैं, अगर आप देखें तो 3 स्क्वायर यानी 9 और 2 स्क्वायर 4, तो 9 और 4 कितने होते हैं 13, तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करने होंगे 13, ठीक है, और इक्वल टू 0 लिखना होगा, जो कि ये ऐड होकर -36 बन जाते हैं, ठीक है, मैं इनको -36 लिख सकता हूँ, और इक्वल टू 0, या अगर इस
36 कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाए तो ये पॉजिटिव 36 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये इक्वल टू किसके है जी, 36 के, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 1 लाने के लिए हम दोनों साइड पे इक्वालिटी के दोनों साइड पे 36 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, ये इससे कैंसल, 1 आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अगर आप देखें तो ये इलिप्स बन रही है। ठीक है, कॉनिक हमारा क्या है, इलिप्स है। अब इसमें आप देख सकते हैं 3 इन दोनों में कॉमन है, 3 स्क्वायर जो कि 9 आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा ओवर 36 प्लस, इसी तरह इनमें आप देख रहे हो 2 कॉमन और उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे y प्लस 1 आएगा होल स्क्वायर ओवर 36 और ये इक्वल टू 1 है। अब 9 के टेबल से 36 कैंसिल होता है, 9 वन टाइम, 9 फोर टाइम 36, 4 वन टाइम, 4 फोर 9 टाइम 36। तो देखें हमारे पास इक्वेशन बन रही है x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर 4, ठीक है, प्लस y प्लस 1 स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1। इसका मतलब कि इसमें एक तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई हुई एक्सिस की, सेंटर चेंज है, ओरिजिन नहीं है बल्कि 1 और माइनस 1 है। ठीक है, यानी सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस 1 है, और इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें नज़र आ रही है। इसमें मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, माइनर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है यहाँ से। तो देखें अब हम ये पार्ट में यहाँ से रेस कर देता हूँ। ठीक है, हम अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसकी, कि हमें ये बात पता है कि जो हमारे पास सी की वैल्यू होती है एलिप्स के केस में वो इक्वल टू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ए हमारे पास 9 है, ए स्क्वायर सॉरी, और बी स्क्वायर है 4, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5। चूँकि ये एलिप्स जो है वो वाई एक्सिस के, मतलब वाई एक्सिस जो इसका वो आप ये समझ लें कि वो इसका मेजर एक्सिस है, तो फोसाई जो होंगे मतलब वो इस तरह से आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी कुछ शेप बना दूँ तो कुछ ये इस तरह से होगा। ठीक है, इस एलिप्स की शेप कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, इस तरह से, तो फिर इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हैं उस एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट अंडर रूट 5। ठीक है, और जब डाउन द एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट माइनस अंडर रूट 5 होगा। ठीक है, तो फिर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी एफ वन और एफ टू दोनों फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 0, 0 का स्क्वायर 0, अंडर रूट 5 माइनस माइनस अंडर रूट 5 करेंगे तो 2 टाइम अंडर रूट 5 आएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आता है 4 इंटू 5, चूँकि 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 5 का 5, तो ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर लिखा जा सकता है जबकि 5 एज इट इज रहेगा, तो 2 इंटू अंडर रूट 5। ये है फोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा ऑप्शन सी है वो बेस्ट ऑप्शन है और हम इसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ द इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 17 इक्वल टू 0 है इस ट्रांसफॉर्म विद द रेफरेंस एक्सिस नेगेटिव 3 1, यानी जिसमें एक्सिस था माइनस 3 ऑर्डिनेट 1 एज ओरिजिन एंड एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओल्ड एक्सिस देन द न्यू इक्वेशन इज, यानी हमने ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सिस की यहाँ पे। ठीक है, ये फर्ज करें पुराने एक्सिस हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इन्हें मूव करते हुए न्यू एक्सिस तक ले आए हैं कि पुराने जो एक्सिस हैं एक्स एक्सिस न्यू एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस जो है वो न्यू वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इसी के साथ हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है इसकी। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि इसमें जो हमारे पास जो कैपिटल एक्स है, चूँकि जो न्यू ट्रांसफॉर्म्ड एक्सिस हैं वो उसमें जो चेंज आई है वो एक्स माइनस एच है और एच की वैल्यू इसमें माइनस 3, इसका मतलब एक्स प्लस 3 है। हम इन इक्वेशंस में रिवर्स इंजीनियरिंग के जो हमारे पास टेक्निक है उसको यूज़ करेंगे और हम एक्स कैपिटल एक्स एक्स प्लस सी से रिप्लेस करेंगे और कैपिटल वाई को जो है वो एक्स सॉरी वाई माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे। देखेंगे क्या इससे ये ओरिजिनल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो देखें
अगर फर्स्ट ए ही को सिलेक्ट किया जाए, उसमें x प्लस 3 पुट कर दिया जाए और इसका स्क्वायर लिया जाए माइनस 8 और y की जगह y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखें x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 2 3 जार 6 x, ठीक है, माइनस 8 y माइनस इंटू माइनस प्लस 8 और इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, देखें यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 8 वाई, ठीक है, और 9 और 8 ऐड होके 17 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये तो देखें वापस वही इक्वेशन बन गई, इसका तब इस इक्वेशन की जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है जब उसके ओरिजिन को चेंज कर दिया जाएगा तो वो इस ऑप्शन ए में जो लिखी गई इक्वेशन है वो बनेगी। अगर आप बी सी या डी में ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे वापस ये इक्वेशन नहीं बनेगी, जिससे बात क्लियर हो जाती है कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट है कि द लाइन 2x प्लस अंडर रूट 6 टाइम्स y इक्वल टू 2 इज टेंजेंट टू दिस इक्वेशन, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ठीक है जी, और एट द पॉइंट। अब जारी बात है कि ये कर्व है और अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो हाइपरबोला का कर्व है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए, यानी अगर मैं पहले 4 से इसको डिवाइड कर लूँ दोनों तरफ, यहाँ भी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 लिखा हुआ है और ये इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हाइपरबोला जो है उसका हमारे पास जो है वो ये हाइपरबोला की मतलब इक्वेशन है। अब उसके ऊपर एक लाइन है जो टेंजेंट है, जिसकी इक्वेशन ये है, लेकिन ये इनमें से किसी एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, मतलब ये पॉइंट जो है वो टेंजेंट चूँकि इसके हैं, ठीक है, ठीक है जी, इस हाइपरबोला के हैं, तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे और जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, इससे भी सेटिस्फाई करेंगे चूँकि ये पॉइंट इस लाइन के भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक ऐसा पॉइंट ज़रूर है जो कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और साथ साथ इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो चले हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर वो कौन से कोऑर्डिनेट्स जिनको लिखने से आंसर 2 आता है, जैसे ए ऑप्शन और अगर सी ऑप्शन को देखें तो ये कभी भी इसे लिखने से एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3 लिखें या एक्स की जगह अंडर रूट 6 और वाई की जगह 1, ये कभी 2 के इक्वल नहीं आ सकते। ए और सी को तो हम एक छोड़ ही देंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, हम रिवर्स इंजीनियरिंग को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बी और डी पर देखते हैं। सबसे पहले सी बी को चेक करते हैं, देखें बी अगर इक्वेशन दर्ज की जाए एक्स की जगह 7 और प्लस अंडर रूट 6 इंटू माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट 6, ठीक है, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो देखें 14 माइनस 12 बनता है जो कि इक्वल टू 2 आता है, ये ट्रू हो रही है, इसका मतलब बी हो सकती है। अब इसको साथ ही जो हाइपरबोला है उसके ऊपर भी टच देखते हैं कि क्या ये उसको भी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर लेंगे, ये 49 आ जाएगा ओवर 4 और माइनस वाई जो है हमारे पास ये है 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, और अंडर रूट 6 का आ जाएगा 6 ओवर 2, ठीक है। इसको देखते हैं कि क्या ये 1 बनता है या नहीं, ठीक है। यहाँ से अगर चेक किया जाए तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, बल्कि यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, पहले हम इसका चेक करते हैं कि क्या ये 1 आता है आंसर या नहीं आता, ठीक है। एलसीएम 4 आ जाएगा यहाँ पे 49 माइनस 48, देखें चूंकि 4 6 आर 24 और इस 2 को 4 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये बनता है 48, तो ये बनता है 1/4 जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो वो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशंस को, यानी देखें 2 इंटू 4 8 हो जाएगा और जब हम अंडर रूट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अंडर रूट 6 है तो ये माइनस 6 आ जाएगा जो कि 2 के इक्वल है, ट्रू है। और अगर जो हाइपरबोला इसकी इक्वेशन में इसको पुट किया जाए 2 का 4 का स्क्वायर 16 ओवर 4 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर होगा 6, 6 को अगर 2 पर डिवाइड किया जाए तो आंसर आएगा 3 और ये इक्वल टू 1 है जो कि बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे।